गरम दूध में ताजा नारियल डालो और फटाफट मार्केट में मिलने वाली 1000 रुपए किलो की ये रेसिपी बना डालो। इसके लिए हम लेंगे ताजा नारियल। जैसे कि अभी त्योहार का समय है ही है, तो इसमें नारियल हम सभी खूब तोड़े हैं, नवरात्रि, दिवाली या फिर छठ, तो इसमें हमारे घरों में नारियल का यूज खूब हुआ है। तो आप चाहे तो वो नारियल ले सकते हैं या फिर मार्केट से फ्रेश नारियल भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़े साइज का नारियल है, काफी बड़े साइज का है, तो इसको हम पहले तोड़ लेंगे और फिर पतले पतले और छोटे स्लाइस में कट कर लेंगे। जब हम ताजे नारियल को पतले और छोटे स्लाइस में कट करेंगे तो ये रेसिपी बनाना काफी आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं ताजे नारियल को कट कर ली हूँ। अगर मेजरमेंट देखेंगे तो इस मेजरिंग कप से ये पूरा ऊपर तक भर कर 2 कप है। अब गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 2 कप दूध। अब इसमें ये कटा हुआ नारियल डाल देंगे। अब लो मीडियम या फिर मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक कि दूध 1 कप ना बचे। पूरा 1 कप दूध हमें इसमें सुखा देना है। इससे क्या होगा कि नारियल भी पक जाएगा और दूध भी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग आधा दूध खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और बस हमें दूध थोड़ा सा सुखा लेना है। तो ये नारियल ऐसे ही खा के देखिएगा, ऐसे भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। पूरा तो नहीं खाइएगा क्योंकि रेसिपी नहीं बन पाएगी, लेकिन 1-2 पीस आप खा सकते हैं। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि जल्दी से पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसको मैं मिक्सी जार में डाल ली हूँ। अब इसको हमें एकदम फाइन पीस लेना है। फिर से मैं वही कढ़ाई ली हूँ, इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो 1-2 टेबल स्पून कम भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही मीठा रख रही हूँ। और चीनी को इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे, फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि इस चीनी को हमें कैरमलाइज करना है। जब हल्का सा इसमें कलर आने लगे, चीनी मेल्ट दिखने लगे, तब इसे इस तरह से चलाते हुए चीनी के दाने को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और बहुत ज्यादा कलर इस पर नहीं लाना है, बस हल्का कलर आ जाए तभी हम नारियल और दूध का पेस्ट डाल देंगे। तो हम इसको इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे और थोड़ा समय लगता है अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। तो देखिए कैरमल इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी भी हमें इसको लगातार चलाते हुए बढ़िया से ट्राई करना है। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मावा। आप चाहे तो दूध को चलाकर उससे मावा बना सकते हैं। मावा बनाने का वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। आप लोगों ने काफी ज्यादा उसको पसंद भी किया है, और चाहे तो मार्केट का मावा भी ले सकते हैं। अच्छा, अब ये सब चीजें आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बजाय मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा। कम से कम 1/4 कप तो डालिएगा ही, उसके बाद आप अपने हिसाब से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर से भी मावा का स्वाद इसमें आने लगता है। साथ में डाल देंगे 2 से 3 हरी इलायची कूटकर। और अब इसको चलाते हुए लगातार हमें इसे गाढ़ा करना है, यानी कि जमने की कंसिस्टेंसी तक इसे हमें पका लेना है। फ्लेम लो ही रखेंगे क्योंकि अगर हाई या मीडियम करेंगे तो इसके जलने का डर है, और जरा सा भी अगर ये जल गया तो फिर सारी रेसिपी बिगड़ जाएगी। तो इसको जलने नहीं देना है, बस लो फ्लेम पर ही चलाते हुए ट्राई करना है। इसको हम थोड़ा ध्यान से गाढ़ा करेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये गाढ़ा होता है वैसे वैसे काफी ज्यादा छीटा भी उठता है, तो हाथ हाथ में लगने ना पाए, बस आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बहुत अच्छे से ड्राई करना जरूरी है। तो इस तरह से देखिए कढ़ाई से अलग होने लगा है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैं ली हूँ बर्फी ट्रे। आप चाहे तो कोई थाली या फिर प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं। इसमें इकोवेक पेपर लगा दी हूँ। आप चाहे तो बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर जो भी चीज आप ले रहे हैं थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस भी कर सकते हैं। अब जैसी मोटी पतली बर्फी आपको पसंद है इसमें फैला दीजिए। और इसके ऊपर लगा देंगे सिल्वर लीफ। इस तरह से आप लगा दीजिए, चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लगा सकते हैं जिसे देखने में बर्फी अच्छी लगती है। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो देखने में ज्यादा अच्छी लगे इसलिए थोड़ा सा लगा दे रही हूँ। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो करीब 2 घंटे हो गए हैं, बर्फी आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है।
अब ये इको बेक पेपर हम बाहर निकालेंगे और बर्फी को मनपसंद पीस में कट कर लेंगे। बनाने में थोड़ी मेहनत है लेकिन यकीन मानिए खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी कि आप एक बार बनाएंगे तो बस बार बार बनाने को मजबूर हो जाएंगे। और यही बर्फी अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक जरूर मिलेगी। तो लीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी ये हमारी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।